सवाल उसमें इतना ही है, समय पे एफर्ट करना और फोकस एफर्ट करना। यस, इटली ने सिकल सेल मुक्त हो गया, जापान सिकल सेल मुक्त हो गया, इंडिया क्यों नहीं हो सकता है? यस, इंडिया में 278 डिस्ट्रिक्ट, 12 स्टेट, 7 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन, उसका स्क्रीनिंग करना है। हमने तय किया 3 साल में उसका स्क्रीनिंग कर लेना। यस, हर व्यक्ति को, मैंने जब लॉन्च किया सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन को, उस वक्त मैंने कहा था कि हमें व्यापक तौर पर जनभागीदारी से सुनिश्चित करना है। आप शादी करते हो तब कुंडली मिलाओ ना मिलाओ चलेगा, लेकिन मैं जो कार्ड, प्रधानमंत्री जो कार्ड दे रहे हैं, कार्ड मिला देना। तो कैरियर है तो 50% आपका बच्चे को सिकल सेल ग्रस्त होने की संभावना है। दोनों पॉजिटिव है तो रेड आएगा, आपको नहीं शादी करनी है, शादी की तो बच्चे पैदा नहीं करना है। एक बार लोगों में ये अवेयरनेस आ जाएगी तो करेंगे। ये देश में हमने कई ऐसे अभियान सक्सेसफुली चलाया है। yes. दूसरा, मैं भी उसको मॉनिटर करूं, इसलिए डिजिटल रजिस्ट्री होनी आवश्यक है। कोई भी डिसीज हो, भारत सरकार के डैशबोर्ड पर पता होना चाहिए, स्टेट को पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता होना चाहिए और जनता को भी पता होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। तो एफर्ट सिस्टमेटिक हो, फोकस हो, आउटपुट मिलेगा। 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब देश में सिकल सेल नहीं रहेगा।